हेलो क्लास फिफ्थ तो कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर ट्वेंटी टू और चैप्टर का नाम है ऑन द मूव अगेन तो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर तो चलो टेल के अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिड ऑल द फार्मर्स इन विलेज हैव देयर ओन लैंड्स यानी कि धनू के विलेज में जितने भी फार्मर्स थे क्या उनकी अपनी जमीन थी तो आप लिखेंगे नो ओनली सम ऑफ द फार्मर्स इन धनूज विलेज हैव देयर ओन लैंड सम ऑफ द फार्मर्स वर्क ऑन द लैंड ऑफ बिग फार्मर्स उसके बाद हम क्वेश्चन टू देखते हैं ड्यूरिंग वट टाइम ऑफ द ईयर डिट धनूज फैमिली गेट वर्क इन द विलेज ड्यूरिंग वट टाइम डिड दे नॉट गेट हैव वर्क तो यहाँ पर आप लिख नॉट हैव वर्क तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसका आंसर धनुज फैमिली गेट्स वर्क फ्राम बिफोर द रेनी सीजन टिल दशहरा ड्यूरिंग द रिमेनिंग सिक्स मंथस वैन देर इज़ नो रेन दे डो नॉट गेट वर्क उसके बाद हम क्वेश्चन थ्री देखते हैं

तो इसका आंसर अच्छा आप लिखेंगे यस फार्मिंग कैन ऑल्सो भी डन विदाउट रेन वाटर न्यू मैथड्स ऑफ इरीगेशन यहाँ पर आप ली कैन बी यूज टू प्रोवाइड द रिक्वायर वाटर टू क्रोप्स कैनल्स ट्यूब वेल्स और राहत्स कैन बी यूज फॉर इरीटेटिंग द फील्ड्स उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं थिंक में यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है धनुष फैमिली एंड मैनी अदर्स फ्रॉम द विलेज गो फॉर गो फार अवे फॉर वर्क बट समीपल्स स्टे बैक इन विलेज वाई डज दिस हैपन तो इसका आंसर आप लिखेंगे सम पीपल नीड टू स्टे इन द विलेज सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द हाउसेज एंड कैटल्स दे आर ऑल्सो नीडेड टू टेक केयर ऑफ एल्डरली पीपुल्स हु प्रीफर टू स्टे बैक इन द व विज तो इसका आंसर आप यहाँ पर यह लिख सकते हैं फिर हम क्वेश्चन टू देखते हैं वेन धनू एंड अदर चिल्ड्रन लीव द विज फॉर सिक्स मंथस वट हैपन इन द व विज स्कूल तो इसका आंसर आप लिखेंगे

एंड टेक केयर ऑफ एल्डरली एंड अनवेल फैमिली मेम्बर्स उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर थिंक एंड टेल में वाई डज मामी विच दैट धनु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी उसके बाद आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे इसका मामी वॉन्टेड धनु टू स्टडी वेल एंड गेट अ गुड जॉब सो दैट ही कुड वर्क इंडिपेंडेंटली मामी विस्ड धनु टू बिकेम अ रिच पर्सन एंड अर्न गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी मामी डिड नॉट वॉन्ट धनु टू सफर लाइक हिज फैमिली मेबर्स हैंस मामी विच धनु शुड गो टू स्कूल उस

कैन देयर बी सम अरेंजमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम सो दैट धनु कंटीन्यूज हिज स्टडी वट काइंड इसका आंसर आप लिखेंगे यस धनु कैन गेट इनरोल्ड इन अ स्कूल इन द न्यू टाउन ही कैन ऑल्सो लुक फॉर इवनिंग स्कूल्स उसके बाद हम क्वेश्चन टू देखते हैं डू यू नो ऑफ एनी जॉब वर्क फॉर विच पीपल्स हैव टू स्टे अवे फ्राम देयर फैमिलीज फॉर मैनी मंथ्स लुक फॉर एग्जाम्पल्स फ्राम दिस बुक एंड राइट तो इसका आंसर आप लिखेंगे सम ऑफ द जॉब्स विच रिक्वायर पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम देअर फैमिलीज फॉर मेनी मंथ्स आर एज फॉलोज इन आर्म्ड फोर्स जॉब्स इन मर्चेंट नेवी उसके बाद आप लिख सकते हैं स्टडिंग इन ए बोर्डिंग स्कूल ओवरसीज असाइनमेंट्स उसके बाद हम क्वेश्चन थ्री देखते हैं वट आर द सिमिलैरिटी डिफरेंसेज इन द लाइफ्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मर्स तो इसका आंसर आप लिखेंगे सिमिलरिटीज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लेवलीहुड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऑल द फैमिली मेम्बर्स आई आर इंगेज इन फार फैमिली यहाँ पर आप लिख सकते हैं फार्मिंग दे आर डिपेंड ऑन रेन फॉर इरीगेशन उसके बाद आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट एंड दे यूज़ प्रिमिटिव मैथड्स ऑफ फार्मिंग और क्या हैं इनमें सम फार्मर्स हैव देयर ओन लैंड लेस नंबर्स ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स इज इंगेज इन फार्मिंग सम फार्मर्स आर लिटरेट सम जगह फार्मर लिखेंगे यूज मॉडर्न फार्म इक्वेंट उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वट वी हैव लर्न में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है टेबल तो इसको आप क्या करना है एक टेबल में भरना है और आप कुछ इस तरीके से टेबल में भर सकते हैं इन्हें यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द फार्मर ओन लैंड वट डू दे ग्रो एंड वट डिफ़िकल्टज़ डू देव एन एनी थिंग एल्स उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं धामी भाई धामजी भाई आप देखें यहाँ पर लेसन नाइनटीन में और हसमुख लेसन नाइनटीन में इनके पास अपनी ज़मीन थी तो हाँ इनके पास अपनी जमीन थी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हाउ वट दे ग्रो तो यहाँ पर आप पूछा गया है कि वो क्या उगाते थे तो आप यहाँ पर लिखेंगे फूड ग्रेन्स लाइक वीट जॉर बाजरा राइस एटसेट्रा एंड ओनली दिस आइटम विच कैन गिव ह्यूज प्रॉफिट उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं नॉट मच यहाँ पर वर्ड डिफिकल्टीज डू दे है यहाँ पर आप देखें हाई कॉस्ट ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन सॉइल बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लोन बिकम्स टू हाई बिकॉज बिग फार्मर्स ऑफन नीड टू बोरो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ही कुड ईजली गेट फूड फॉर होम उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं हसमुख सन हैज़ लेफ्ट फार्मिंग एंड इज़ ड्राइविंग अ ट्रक तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं और आप क्लास फिफ्थ ईवीएस के सभी चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देख सकते हैं मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है आप मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर चेक कर सकते हैं तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें